इसका रहने वाला 45,000 रुपीज ओनली। 5,000 चला है सिर्फ, 5,000 मात्र, मात्र सिर्फ। टायर की थ्रेडिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं, जो भी गाड़ी बेचते हैं भाई जेन्युइन गाड़ी बेचते हैं भाई, चार चार बर्गमैन लेके आ चुके भाई यहाँ पे, सिर्फ 1,000 किलोमीटर, मात्र 1,000 किलोमीटर, हजार किलोमीटर, हजार भी नहीं, 998 किलोमीटर चला है, हजार में भी 2 किलोमीटर है। मैगवील और इंदौरी साइलेंसर इंस्टॉल्ड है, गार्ड वगैरह इंस्टॉल्ड है। 40,000 रुपए कैश बोल रहे हो ना, 40,000 रुपए कैश, लोन फैसिलिटी भी इस पे अवेलेबल है, इस पे भी अवेलेबल है, ये भी 2,000 किलोमीटर चला है, 2,000 किलोमीटर चला है। मतलब लेटेस्ट गाड़ी अगर किसको नए में नहीं जाना है, प्राइस ज्यादा है नई गाड़ी का, अगर पैसे बचाना है तो 2023 का गाड़ी है। बच्ची है क्या, मेला वेला लगा हुआ, अरे वहाँ की ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, इतने सारे स्टॉक, इतने सारे स्टॉक, इतने सारे स्कूटर, अरे बाप रे, एक नहीं दो नहीं, अरे बाप रे, वो तो मेला लगा हुआ है, इधर 220 दो दो FZS V3, अरे भाई ये क्या चल रहा है ये, अरे रे रे अरे रे रे, नई कंडीशन में R15 V4 V3 डार्क नाइट MT RC, अरे बाप रे, इधर क्लासिक 350 FZS V3 ड्यूक, अरे बाप रे NS, इधर 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 बर्गमैन, एक नहीं दो नहीं चार चार, अरे भाई भाई माल किधर से लेके, अरे अरे अब्दुल्ला भाई, अरे ये अपना ही है, अपना ही सब स्टॉक, अरे भाई इतने टाइम बाद कैसे, अरे यार कैसे हो यार आप, सब अपने व्यूअर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए स्टॉक जमा कर रहे थे अभी भाई, अरे इतने सारे स्टॉक, वैसे बर्गमैन से लेकर FZ एक नहीं दो नहीं चार चार, FZ V3 है, बर्गमैन एक नहीं दो नहीं चार बर्गमैन है, R15 तीन तीन गाड़ी है, बहुत सारा स्टॉक जमा किया। भाई एक कंडीशन है, बोलो, पहले वीडियो में जैसा अपन ने धमाका किया था ना ऑफर्स में, प्राइस में तोड़ तोड़ के, मार्केट तोड़ प्राइस रहेगा, मार्केट पक्का 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 ना, पक्की बात, कहाँ से चालू करेंगे अपन, सबसे सस्ती बाइक हॉर्नेट से स्टार्ट करेंगे, हॉर्नेट स्टार्ट करते, चलो अब्दुल्ला भाई चलो स्टार्ट करते, अरे अरे रुको रुको रुको, बोलिए ना, बट भाई आना किधर है, आना, अरे अभी भाई वही अपना व्हील्स एंड डील्स लोखंड वाला अंधेरी वेस्ट BMC पार्किंग के अंदर, इन्फिनिटी मॉल के पास, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर ब्लिंक होता हो देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो स्टार्ट करते भाई यहाँ पे हॉर्नेट, जो बजट में ये 2016 का हॉर्नेट है अभी भाई, हाँ। सिंगल ओनर है, प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए, 40,000 रुपए कैश बोल रहे हो ना, 40,000 रुपए कैश, लोन फैसिलिटी भी इस पे अवेलेबल है, इस पे भी अवेलेबल है, डाउन पेमेंट रहने वाला सिर्फ 11,000 से 12,000 रुपया, और डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइट बिल, दैट्स इट। लोन कहाँ का, तो ये भी तो बता दो अभी भाई, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है मुंबई, थाने, पालघर और भिवंडी एरिया के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए अवेलेबल नहीं है ना, अवेलेबल नहीं है, अगर कोई और स्टेट से आना चाहता है गाड़ी लेना चाहता है, या महाराष्ट्र में ये एरियाज के अलावा कोई आना चाहता है गाड़ी लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, कैश पे उनको गाड़ी दे देंगे, उनके एरिया में उनके रेसिडेंस पे व्हीकल ट्रांसफर करके मिल जाएगा, ट्रांसफर करके मिल जाएगा, बिल्कुल ट्रांसफर, क्या बात है भाई। एंड यहाँ पे कम्यूटिंग के लिए दी बेस्ट है भाई, FZS V3 दो दो यहाँ पे, यहाँ दो है पीछे दो है, ये दोनों 2022, ये दोनों 2020 का है, पीछे एक 2022 का, एक 2023 का है, okay, इसका डिटेल बता, इसका डिटेल बताते हैं, 2020 का FZ V3 है, ब्लूटूथ वर्जन है, प्राइस का रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 86,000 रुपीस, क्या बात है भाई, अभी 85 कर दो ना, अभी 84 की आपके व्यूअर्स के, 84 कर दिया, 2000 का डिस्काउंट भाई, 84,000 में लेके जाओ भाई, FZS V3 रहने वाले, ब्लूटूथ एडिशन है, ब्लूटूथ एडिशन है, और है क्या, ये नॉन ब्लूटूथ एडिशन है, सेम 2020 का मॉडल है, FZS V3, सिंगल ओनर है, किलोमीटर वही 17-18,000 किलोमीटर के आसपास चला है, कुछ प्राइस का रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 81,000 रुपीस। एंड यहाँ पे भाई दो दो यहाँ पे लेजेंडरी मशीन है, यहाँ पे 220 को साथ में कवर करेंगे अभी भाई, 2016 का मॉडल है सिंगल ओनर, 2018 का मॉडल है सिंगल ओनर, BS4 गाड़ी है, काफी मिंट कंडीशन है, नॉन ABS है, सिंगल ओनर है, प्राइस इसका रहने वाला 45,000 रुपीस ओनली, और ये गाड़ी का प्राइस रहने वाला है 57,000 रुपीस ओनली, एंड कंडीशन दोनों के देख सकते हो भाई, वेल मेंटेन में आपको देखने मिली आती है। तो भाई यार ठीक है ना, गियर वाला तो हो गया यार, बहुत लोग डिमांड करते नॉन गियर में, नॉन गियर भी दिखा दो ना यार, अभी भाई स्कूटर्स में एक्सेस से लेकर एक्टिवा से लेकर एंटॉक से लेकर जुपिटर डीओ सारी स्कूटर्स अवेलेबल है, तो स्टार्ट करते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं एक्सेस से, अभी भाई 2022 का एक्सेस है, सिंगल ओनर है, साइड स्टैंड सेंसर वाला, प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 83,000 रुपीस। एंड ब्लू कलर में भाई 2021 का ब्लूटूथ वेरियंट है, स्पेशल एडिशन, डिस्क ब्रेक, मैगवील के साथ, इसका प्राइस रहने अभी भाई 86,000 रुपीस। एंड यहाँ पे व्हाइट पर 2022 स्पेशल एडिशन मैगवील डिस्क ब्रेक क्रोम मिरर, प्राइस इसका है 80
88,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे और एक कलर है भाई 2021 सेम ब्लूटूथ वेरिएंट है, मैट ब्लू कलर है, काफी आजकल डिमांड में चल रहा है ये कलर। प्राइस अगेन इसका रहने वाला है 86,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे भाई ग्लॉसी में आ जाओ अभी BS6 वेरिएंट में किसी को अगर लो बजट चाहिए 70-80 के रेंज में नहीं जाना है 2020 का XS125 BS6 है, प्राइस का सिर्फ और सिर्फ 65,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे इंटर 125 जिसको स्पोर्टी नेचर में जाना है भाई, स्पोर्टी नेचर में अगर जाना है 2019 का एंटॉक है, डील ऑफ द डे है 53,000 रुपीज़ में 2019 का एंटॉक लेके जाइए। सिंगल ओनर रहने वाला है ये। वैसे अंदाजन कितना चला रहेगा, मतलब आपको आइडिया है कुछ? सबका अलग अलग है, जैसे कि एंटॉक को चला है 22-23,000 किलोमीटर कोई गाड़ी चला है, 19,000 कोई गाड़ी चला है, मतलब 15-12,000 किलोमीटर नहीं चला ना, मतलब 10 के अराउंड ही चला है। एश्योरिटी आपको दी जाएगी कि हमारे यहाँ मीटर टैंपर नहीं होता, ओरिजिनल किलोमीटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी गाड़ी बेचते हैं जेन्युइन गाड़ी बेचते हैं भाई, जिसको भाई बेस गाड़ी नहीं चाहिए आ जाते हैं भाई रेस एडिशन पे। भाई रेस एडिशन अभी भाई 2020 का मॉडल है, प्राइस रहने वाला है 65,000 रुपीज़। 65,000 रुपीज़ में लेके आते हैं एंटॉर्क 125 रहने वाले भाई, रेस एडिशन आपको देखने मिल जाती है, एलईडी लाइट्स के साथ आपको देखने मिल जाती है। एंड यहाँ पे भाई एक्सपी है, यहाँ पे 2022 का रेस एक्सपी एडिशन है एंटॉक में, प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 81,000 रुपीज़। अरे यार अभी 80 के नीचे कर दो ना अभी थोड़ा, 80 के नीचे 79,000 रुपीज़ में दिया, 79,000 में लेके जाओ। रेस एक्सपी एडिशन रहने वाला है, इसमें राइडिंग मोड्स वगैरह आपको देखने मिल जाते हैं। होंडा एक्टिवा का एंडिंग का एक्टिवा 6G है, व्हाइट कलर है, व्हाइट गोल्ड जिसे बोलते हैं, और 5,000 किलोमीटर चला है, टायर वगैरह सारी चीजें आप देख सकते हो काफी मिंट कंडीशन में, प्राइस का रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 73,000 रुपीज़। भाई 73,000 ये तो ठीक है, 5,000 चला है सिर्फ, 5,000 मात्र, मात्र सिर्फ। टायर की थ्रेडिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं अभी तक उसके इंटैक्ट है, और प्राइस का रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 73,000 रुपीज़। एंड कंडीशन भाई आप देख, मतलब भाई आपको शोरूम पे जाने की जरूरत नहीं है भाई, आप आ जाओ सीधा सीधा व्हील्स एंड डील्स में लेके जाओ ये वाली स्कूटर। तो चलो और एक भाई सेम इसका भी ये है, डिटेल्स है, 2022 का ही गाड़ी है, सिंगल ओनर है, ये कुछ 12-15,000 किलोमीटर के आसपास चला है, प्राइस वही 73,000 है, मतलब कलर ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर को, मैट ग्रे या तो फिर व्हाइट कलर वो ले सकता है। बट ठीक है भाई, ये जो प्राइसेस बता रहे ये सब तो ठीक है, पर नेगोशिएट करोगे कि नहीं फिर? ऑन टेबल आएंगे तो, ऑन टेबल आएंगे तो 500,000 यहाँ वहाँ हो जाएगा, बिकॉज हमारे जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट एकदम स्टील डील है, बट स्टिल अगर कोई जेन्युइन कस्टमर हमारे यहाँ आता है ऑन टेबल बैठ के 500,000 का नेगोशिएशन कर देंगे, हो ही जाएगा। बस आपको क्या करना है, रवि तभी अभी भाई के चैनल से आयो करके आपको रेफरेंस देना, आपका काम हो जाएगा, ऑफर्स लागू हो जाएंगे भाई। टीवीएस जुपिटर इंडिया की प्रोडक्ट है, 2021 का टीवीएस जुपिटर है, ये जुपिटर 2022 का है, इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर वगैरह कंपनी साइड कट ऑफ है, जी साइड स्टैंड कट ऑफ है। 2021 का जुपिटर अभी भाई आएगा 59,000 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 59,000 रुपीज में। नेक्स्ट 2022 का जुपिटर आएगा अभी भाई 65,000 रुपीज। एंड यहाँ पे भाई बहुत लोग डिमांड करते हैं होंडा डीओ के लिए, डीएक्स है ना वैसे तो, ये तो डीएक्स के लास्ट वीडियो में जब हमने लास्ट शूट किया था तब इतनी डिमांड आई थी डीओ के लिए, तो मैंने अरेंज किया एक डीओ आपके व्यूअर्स के लिए। 2019 का मॉडल है, सिंगल ओनर है, डीओ डीएक्स चला विद डिजिटल मीटर भाई, विद डिजिटल मीटर, गोल्डन व्हील बेस चला कुछ है 20,000 किलोमीटर के आसपास, आगे पीछे का दोनों का टायर नया है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस 2024 तक वैलिड है, प्राइस इसका रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 56,000 रुपीज। एंड राउंड फिगर कर दो, राउंड फिगर 55,000 रुपीज में लेके जाओ भाई, ब्लैक कलर की डीओ डीएक्स रहने वाली, डीएक्स बोले तो भाई डिजिटल मीटर के साथ आपको देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे बर्गमैन पहला, अभी भाई हर गाड़ी पे लोन अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर गाड़ी पे लोन फैसिलिटी अवेलेबल है, मुंबई भिवंडी थाने पालघर रीजन के लिए डाउन पेमेंट हर गाड़ी पर रहने वाला है, डिपेंडिंग ऑन द गाड़ी का कॉस्ट जो है उस पर डिपेंड करता है, बेसिक डाउन पेमेंट रहने वाला है 10-12,000, कोई हैवी व्हीकल है तो उस पर 30,000-35,000 अलग अलग गाड़ी का है, हम सब उसको डिटेल में कवर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स नीडेड है, आधार कार्ड पैन कार्ड और लाइट बिल। चार चार बर्गमैन लेके आ चुके भाई यहाँ पे, फर्स्ट बर्गमैन है भाई 2020 का नवंबर या दिसंबर का गाड़ी है, सिंगल ओनर है, बीटी वर्जन है, ब्लूटूथ वर्जन है, प्राइस का रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 88,000 रुपीज। एंड यहाँ पे गार्ड्स के साथ 2020 का जो न्यू गार्ड लगा है इसके अंदर हैवी गार्ड, 2020 का गाड़ी है, सिंगल ओनर है, और इसका प्राइस रहने वाला नॉन बीटी है ये बता दूं मैं आपको, और प्राइस का रहने वाला सिर्फ और सिर्फ 86,000 रुपीज। ये बीटी रहने वाला है, बीटी रहने वाला है 88,000 में, 2,000 का फर्क है, अगर नॉन बीटी चाहिए तो 86,000, बीटी चाहिए तो 88,000। यहाँ पे और एक भाई, ये दोनों बर्गमैन अभी भाई 2022 का है, दोनों सिंगल ओनर है, कुछ 10,000-8,000 किलोमीटर के आसपास दोनों का रनिंग है, कुछ सिंगल ओनर है, प्राइस दोनों का रहने वाला 1,03,000। भाई 22 का मॉडल बोल रहे हो, 22 का 2022 का मॉडल है, वो भी सिंगल ओनर है, वो भी साइड स्टैंड सेंसर कट ऑफ के साथ, कितने में दे रहे हो? 1,03,000 रुपया। बापरे भाई 1,03,000 रुपए में भाई मिल रहे आपको 22 का मॉडल रहने वाला है साइड स्टैंड कट ऑफ के साथ। कलर ऑप्शन मिल जाएगा कस्टमर को मैट कलर में, दोनों है, मैट मरून है और मैट ब्लैक है, जो कलर ऑप्शन जो अवेलेबल है वो कस्टमर ले सकता है। ले सकता भाई, रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए लेके आ चुके भाई, रॉयल एनफील्ड क्लासिक
250 भाई, यूनिक कलर में भाई, काफी रेयर कलर है, मिंट कलर है, 2016 का गाड़ी है, सेकंड ओनर है, मैगवील और इंदौरी साइलेंसर इंस्टॉल्ड है, गार्ड वगैरह इंस्टॉल्ड है। गाड़ी का प्राइस रहने वाला है अभी भाई सिर्फ और सिर्फ 1,05,000 रुपए। 1,05,000 में भाई लेके आते हो क्लासिक 350। कलर यार मैं पहली बार देख रहा हूँ, वैसे तो रेयर कलर है, 2016 में ये कलर अवेलेबल था और काफी कम देखने मिलता है रोड पे। तो अगर किसी को रेयर कलर में इंटरेस्ट है तो हमारे पास मिंट कलर का क्लासिक 350 अवेलेबल। क्लासिक 350, इसका डीपी कितना दो वैसे? डीपी इसका अराउंड 20 से 22 हजार। 20 से 22 हजार रुपए दो भाई ये वाली क्लासिक 350 मिंट कलर में लेके जाओ आपके घर पे। यस, यहाँ पे FZS V3 भाई, एक ने दो दो यहाँ पे। 2022 का ब्लैक कलर का है, सिंगल ओनर है, अराउंड कुछ 9 या 10 महीना पुराना है, एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, किलोमीटर अराउंड कुछ 8,000-9,000 किलोमीटर चला है, 2027 तक का इंश्योरेंस वैलिड है। प्राइस इसका रहने वाला है अभी भाई 1,06,000 रुपया। 1,06,000 रुपये भाई, इसमें एवरेज भी आपको 40 to 45 आराम से आप अचीव कर सकते, कम्यूटिंग के लिए, ऑफिस जाने वाले के लिए दी बेस्ट बाइक रहने वाला है। जिसको भाई ब्लैक नहीं चाहिए आ जाते हैं अभी ब्लू कलर पे। 2023 का गाड़ी है अभी भाई, सिंगल ओनर है, 1,000 किलोमीटर चला है, सिर्फ 1,000 किलोमीटर, मात्र 1,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर, 1,098 किलोमीटर चला है, 1,000 में भी 2 किलोमीटर बाकी है, टू बी प्रिसाइज़। 2023 का गाड़ी है, जनवरी या फरवरी का कुछ है, और प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,16,000 रुपये। 1,16,000 में भाई लेके आज तो 998 टू भी प्रेजाइज भाई, 998 किलोमीटर चला हुआ FZS V3 रहने वाली है। एंड ये ब्लूटूथ है कि नॉन बीटी रहने वाला है? नॉन बीटी रहने वाली है। कंडीशन आप देख सकते हो भाई, कम्यूटिंग के लिए दी बेस्ट रहने वाला है। एंड यहाँ पे यंगस्टर्स की पसंद, एवरेज चाहिए, NS चाहिए, NS125 है, NS125 2023 का, अगेन 2023 का एक और गाड़ी है हमारे पास, NS125 सिंगल ओनर है, 2,000 किलोमीटर सिर्फ चला है, ये भी 2,000 किलोमीटर चला है, 2,000 किलोमीटर चला है, मतलब लेटेस्ट गाड़ी। अगर किसको नए में नहीं जाना है, प्राइस ज्यादा है नई गाड़ी का, अगर पैसे बचाना है तो 2023 का गाड़ी है NS125, 2,000 किलोमीटर चला है, इंश्योरेंस 2028 तक का वैलिड है, प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 91,000 रुपीज में लेके आते हो भाई। लेटेस्ट रहने वाले भाई NS125 रहने वाली है, इसमें एवरेज भी आपको मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे ड्यूक 390 2019 का गाड़ी है, सिंगल ओनर है, चला कुछ 40,000 किलोमीटर के आसपास है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है 2024 तक का, प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,81,000 में भाई लेके आ सकते हो। मैड मशीन Duke 390 रहने वाली है भाई। भाई वैसे इसका डीपी कितना दूं मैं? इसका डीपी अराउंड 50 to 55,000 के आसपास। यस गाइस, 50 to 55,000 रुपीज एज ए डाउन पेमेंट लो भाई, बाकी का अमाउंट भाई लोन करा के दे देंगे आपको। आना किधर है भाई? व्हील्स एंड डील्स लोकंडवाल अंधेरी वेस्ट में भाई। जो R15 लवर है ना भाई, ये वीडियो आपके लिए भाई, देख सकते हो भाई R15 V3 V3 V4 भाई लेटेस्ट मॉडल रहने वाला है भाई। यहाँ पे R15 V4 है, क्या डिटेल रहने वाला है? 2022 का R15 V4 है अभी भाई, सिंगल ओनर है, चला कुछ 20,000-22,000 किलोमीटर के आसपास है, और काफी मिंट कंडीशन में गाड़ी आप देख सकते हो, देख के लग रहा है भाई, कंपनी सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल है ये गाड़ी का। जितनी भी सर्विसेज हुई है, 3 सर्विसेज हुई है, तीनों कंपनी में हुई है, कस्टमर से लिया हुआ गाड़ी है, 2 चाबी मिलेगा, प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,79,000 रुपीज भाई आपको मिल रहा है। R15 V4 रहने वाले, रेसिंग ब्लू कलर में आपको देखने मिल जाती है। एंड भाई जिसको V3 में जाना है भाई, यहाँ पे दो दो ऑप्शन है भाई, मेरे पास दो ऑप्शन है अभी भाई। 2019 का है, रेड एंड ग्रे कलर का मशीन है, काफी मिंट कंडीशन में, सिंगल ओनर है, 18,000 किलोमीटर को चला है, प्राइस इसका सिर्फ और सिर्फ 1,17,000 रुपए। एंड यहाँ पे डार्क नाइट एडिशन है, डार्क नाइट एडिशन अभी भाई 2021 का गाड़ी है, सिंगल ओनर है, प्राइस इसका बहुत अमेजिंग है, 1,44,000 रुपीज में मिलेगा। एंड यहाँ पे आरसी कौन सा रहने वाला है? आरसी 125 है, 2020 का मॉडल, सिंगल ओनर है, चला कुछ 20,000 किलोमीटर के आसपास है, आरसी 125 का पैसा 1,25,000 रुपीज। एंड यहाँ पे क्या बात है भाई, स्ट्रीट फाइटर बोलते हैं ना नेकड में, MT15 2020 का सेकंड ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है 2025 तक का, चला कुछ 12,000-13,000 किलोमीटर के आसपास है, प्राइस है 1,26,000 रुपीज में। एंड मॉडल क्या बताया आपने? 2020 सेकंड ओनर, 2020 सेकंड ओनर रहने वाली है। एंड भाई वैसे ये सबके डीपी कितने रहने वाला, अंदाजन बता दो ना आप। देखिए जैसे कि है ना R15 है, तो इसका डीपी अप्रोक्सीमेटली 50-55,000, R15 V3 है, उसका डीपी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 से 35,000 रुपए, 30,000 में भी अगर काफी अच्छा सिविल स्कोर है 25 से 30,000 रुपए में भी हो जाएगा। R15 V3 2021 वाला डार्क नाइट है, उसमें अराउंड 55-50,000 सेम, और RC125 में हम लोग कर देंगे डीपी 25-30,000 के बीच। भाई बड़ी गाड़ी तो यार बहुत दिखा दे यार, आ जाओ ना अभी एवरेज पे। अभी एवरेज सेगमेंट में अभी भाई दो गाड़ी है, एक ये है और एक शाइन है BS6, ये HF डीलक्स 2021 का BS6 मॉडल है, सिंगल ओनर है, चला अराउंड 13,000 किलोमीटर के आसपास है, प्राइस रहने वाला है, भाई कुछ नहीं होता मतलब 13,000 बोले नथिंग, प्राइस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 63,000 में, 63,000 में नहीं, एकदम स्टील डील है, 63,000 आपके व्यूअर्स के लिए, 63,000 में 63 का माइलेज देने वाली गाड़ी सिर्फ और सिर्फ आपके व्यूअर्स। यस, एंड इसका डीपी कितना दूं? 10 से 15,000 में हो जाएगा, 12,000 पे हो जाएगा, चलो यहाँ पे आ जाता है एविएटर में, बजट
में ही है? बजट में 2018 का गाड़ी है, सिंगल ओनर है, चला अराउंड कुछ 27,000 किलोमीटर के आसपास है और प्योर व्हाइट कलर है। प्राइस इसका रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 45,000। नेक्स्ट भाई आगे बढ़ते हैं यहाँ पे शाइन पे भाई। शाइन BS6 2020 का गाड़ी है, सिंगल ओनर है, चला कुछ 14,000 किलोमीटर के आसपास है, इंश्योरेंस वैलिड है 2025 तक का। प्राइस का रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 68,000 रुपीज। एंड यहाँ पे पीछे होंडा एक्टिवा 5G है, ओके, और 32,000 किलोमीटर चला है, सिंगल ओनर है, इंश्योरेंस वैलिड है 2024 तक का, 2 की अवेलेबल है। प्राइस सिर्फ और सिर्फ 53,000 रुपीज में भाई लेके आ सकते हो। और भाई जो भी किलोमीटर बता रहे भाई वो जेन्युइनली बता रहे भाई, ऐसा नहीं कि भाई कुछ हाइड कर रहे, ज्यादा चला तो भाई 6,000 5,000 वाली लालच नहीं है कस्टमर्स के लिए, जो है ओरिजिनल किलोमीटर है। अगर 32,000 चला है तो 32,000 ही चला है, 25,000 चला है तो 25,000 ही चला है, और 2,000 चला है तो 2,000 ही चला है। राइट भाई। एंड जैसे कि अपन ने लोन की बात की है, लोन के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या लगने वाला है एंड कहां-कहां तक लोन होगा फिर से बता दो। काफी इजी प्रोसीजर है लोन का अभी भाई, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को लाना है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइट बिल, अगर खुद का घर है तो। रेंटेड घर है तो भी लाइट बिल लेके आना है, ओनर का जो नाम का रहेगा, एक वैलिड मोबाइल नंबर जो कि चालू है वो। आधे घंटे के अंदर अगर लो बजट की गाड़ी है, अराउंड 1 लाख के नीचे अगर ये लोन अमाउंट रहता है, आधे घंटे के अंदर डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल है। अगर इनकेस हैवी बजट की गाड़ी जैसे कि V4 है तो उसके लिए 1 दिन का टाइम लगता है, बिकॉज होम वेरिफिकेशन वगैरह उसमें एप्लीकेबल है। अपने शोरूम का रिचार्ज करने का कैसे रिचार्ज का एड्रेस बता दो ना। जो मेट्रो लाइन 1 जो है वहाँ से सबसे नजदीकी स्टेशन है DN नगर, और जो नया मेट्रो बना मेट्रो 2 वहां से सबसे नजदीकी स्टेशन है लोअर ओशिवरा, वहां से हार्डली 2 से 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। बाय ऑटो आप आओगे हार्डली 1 मिनट लगेगा। इंफिनिटी मॉल से नजदीक एक रोनवाल एलिगेंट करके टावर है, उसके अंदर एक BMC पार्किंग है, BMC पार्किंग के अंदर ही हमारा आउटलेट सिचुएटेड है। अब्दुल्ला भाई तो फिर आप सिर्फ बाइक सेल करते हो कि परचेज भी करते हो? आप एक्सचेंज फैसिलिटी है अपने पास? फैसिलिटी अवेलेबल है एक्सचेंज के अलावा, अगर खरीदना नहीं है सिर्फ बेचना है कस्टमर को तो भी हमें वो रीच आउट कर सकता है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, या तो जो नंबर आपने प्रोवाइड किया उस पर अपनी गाड़ी का फोटोज भेजी है। गाड़ी एक बार फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे लेके आई है, विदिन हाफ एन आवर आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बेस्ट ऑफर हम जो देंगे कस्टमर को अगर एक्सेप्टेड है, ऑन द स्पॉट उनकी गाड़ी परचेस की जाएगी। और एक्सचेंज फैसिलिटी की जो आप बात कर रहे हो वो भी अवेलेबल, यानी कि अपनी पुरानी गाड़ी दीजिए जिसका 2012-13-14 का गाड़ी है, उनको अपग्रेड करना है लेटेस्ट गाड़ी में, तो वो गाड़ी लेके आई है, जो भी डिफरेंस अमाउंट पे करके दूसरी गाड़ी लेके जाइए, लेके जा सकते हैं। आई होप गाइस पूरा डिटेल्स आपको क्लियर हो गए रहेंगे, डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे। वीडियो को वाइंड अप करते गाइस, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। बी अनस्टॉपेबल। पीस।